Assalamualaikum viewers, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। लैम लेग को हम बेक करेंगे टर्किश स्टाइल में। आप देखेंगे इसमें स्पाइसेस बहुत लाइट से हैं, असल जो आपको फ्लेवर है वो मीट का मिलेगा। साथ में हम पोटैटोज भी बेक करेंगे और बाद में कुछ वेजिटेबल्स को सौते करके अच्छा सा प्लेटर बनाएंगे। तो बगैर देर किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल लाइफ ही लिव बाय सलमारे। चले हम काम शुरू करते हैं। पोटैटोस को पहले करते हैं साइड पे, इसकी बारी आएगी बाद में। सबसे पहले हम लेग को प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 2 किलो का पीस है ये मेरे पास लेग का, लैम का। इसमें हमने छोटे छोटे क्रट्स लगाने हैं, बिल्कुल नीचे तक लगाने हैं डीप, ठीक है। दोनों साइड से मैंने कट लगा लिए हैं। इससे ये होगा कि फ्लेवर बिल्कुल अंदर तक अच्छी तरह जाएगा मीट के अंदर। एक और टिप मैं आपको दे दूं कि मैंने लेग को 1 घंटे के लिए विनेगर वाले पानी में डिप किया था। इतना पानी डाल दें कि ये बिल्कुल उसमें डिप हो जाए। साथ आप आधा कप पानी विनेगर डालें और फिर आप इसको छोड़ दें 1 घंटे के लिए। इससे ये होगा कि आपका मीट टेंडर होगा जल्दी और जूसी भी रहेगा। दूसरी बात ये कि अगर मीट की कोई हमक वगैरह है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। चलिए ये हो गया। अब हम अपने जो स्पाइसेस हैं, ड्राई हर्ब्स हैं, उनको मिक्स कर लेते हैं। एक मैंने बोल ले लिया, इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून मेरे पास है क्रश ब्लैक पेपर, साथ है मेरे पास 1 टीस्पून रोजमेरी। अगर आपके पास रोजमेरी नहीं है तो आप इसकी जगह थाइम यूज कर लें। अच्छा जी, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, टर्मेरिक, साथ 1/2 टीस्पून ओरिगेनो और 2 टीस्पून मैंने नमक लिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये सारी चीज़ें चली गई, अब हम इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए। अब हमने इनको रब करना है इसके ऊपर, मीट के ऊपर, ठीक है। पहले एक साइड पर करेंगे अच्छे से स्प्रिंकल करके, फिर हम इसको हाथ से रब करेंगे। हमारे जो ड्राई हर्ब्स थे वो मैंने दोनों साइड्स पे अच्छी तरह से रब किए। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसका अच्छा सा मसाज किया ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो हर जगह पे लग जाए, ठीक है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 4 टेबलस्पून मेरे पास लेमन जूस है, ये हम डाल देंगे। साइड पर डालेंगे और अच्छे से रब करेंगे। लेमन जूस हमने अच्छे से रब कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, ये हम इस पे डालेंगे। चलें जी, सारी चीज़ें पहले हमने ड्राई हर्ब्स डाल के अच्छा सा मसाज किया 1 से 2 मिनट, फिर हमने लेमन जूस डाला, फिर मसाज किया 1 से 2 मिनट और ऑयल डाल के भी हमने इसका अच्छे से मसाज कर लिया। अब हम इसके एक और स्टेप है, बड़ा इम्पॉर्टेंट, गार्लिक। पूरा 1 गार्लिक मैंने लिया जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया। ये हमने इसमें डालना है क्योंकि जितना ज़्यादा आप गार्लिक डालेंगे उतना अच्छा फ्लेवर्स आएंगे। जो हमने इसमें कट्स लगाए थे इसके अंदर हम ये गार्लिक फिल कर देंगे दोनों साइड्स पे। गार्लिक इसमें हमने अच्छे से स्टफ कर लिया जितने हमने कट्स लगाए थे। इसमें जो गार्लिक जितना ज्यादा आप डालेंगे, लेमन जूस और ऑलिव, डिफरेंट जो हमने ऑलिव ऑयल और डिफरेंट जो हर्ब्स डाले उसकी वजह से एक बहुत टर्किश फ्लेवर जो मीट का होता है ना वो आपको मिलेगा। बिल्कुल एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है कि जी स्पाइसेस से ही मीट का टेस्ट चला जाए, ठीक है। चलें अब हम इसको डाल देते हैं अपनी बेकिंग डिश में और आप ये
ये करने के लिए हाथ ही यूज करें, तभी मीट पे अच्छे से सब कुछ लगेगा मसाला, वरना अगर आप ब्रश करेंगे या वो तो उससे इतना फ्लेवर अच्छे से नहीं जाएगा। चले, ये मैंने इसमें डाल दी है जो लेग हमने अच्छे से मैरिनेट किया। इसमें जो बाकी का ऑयल था, बचा हुआ था क्योंकि मैंने हाफ डाला था रब करने के लिए, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ जो लेमन जूस, क्योंकि 4 टेबलस्पून था, आधा मैंने रब किया, बाकी हम इसमें डिश में डाल देंगे। चले, मीट का काम तो हमारा हो गया, बेकिंग डिश में भी हमने डाल दिया। अब मैं इसके साथ थोड़े से पोटैटोज रखूंगी ताकि ये भी एक ही दफा में साथ में बेक हो जाए। ठीक है, बहुत मजे के लगते हैं जो मीट के फ्लेवर के साथ जब ये बेक होंगे, तो बहुत जूसी और बहुत फ्लेवर इसमें सही मीट का भी जाएगा और बाकी स्पाइसेस में। ये जो हमने थोड़ा सा डिश में जिसमें मैरिनेट किया था, ये मैं सारे जूसेस इसके ऊपर डाल देती हूँ, कोई चीज जाया भी नहीं होगी और सही फ्लेवर हमें मिलेगा। अच्छा जी, जो मैंने ड्राई हर्ब्स मिक्स किए थे उसमें से भी थोड़ा सा मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर छोड़ दिया था ताकि वो हम पोटैटोस पे डाल सकें। ये भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अवन मैंने प्रीहीट कर लिया 10 मिनट के लिए। अभी हम इसको फॉइल से कवर करते हैं और फिर हम इसको 2 आवर्स के लिए बेक करेंगे 180 डिग्री पे। चलें, मैं इसको रखती हूँ अवन में फॉर 2 आवर्स और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी हमारी लेग बेक हुई है। लैम हमारी रेडी हो गई है। मैंने अवन को जो है वो बंद कर दिया है। 10 मिनट में जितनी देर उसको रेस्ट मिलेगा उतनी देर में हम वेजिटेबल्स को सौते कर लेते हैं। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून बटर डाल दिया है, साथ में डाल रही हूँ 3 से 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। इनको हम लाइट से ब्राउन करेंगे। गार्लिक लाइट ब्राउन हो गया, अभी हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम थोड़ी। अनियंस में शेप में मैंने गोल गोल काट दिए हैं, साथ थोड़े से अनियन रिंग्स डालेंगे। हो गया, साथ थोड़े से इनको हल्का सा पहले मिक्स करके फिर हम टोमेटो डालेंगे। ओवर नहीं करना, बस हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि फ्लेवर इसमें आ जाए, कलर भी चेंज ना हो और सब्जियां फ्रेश रहें, क्रंची। अच्छा, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, मिक्स कर लें। चलिए जी, अब हम इसके अंदर डाल देंगे टोमेटोज अपने, टोमेटो सारे डाल देते हैं, रेड कलर अच्छा लगता है, साथ 1-2 लेमन स्लाइसेस। चलिए, चलिए मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और अब मैं निकाल लेती हूँ अपना मटन और फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, सब कुछ रेडी है, वेजिटेबल्स सौते हो गई हैं, लैम को मैंने निकाल लिया अवन से। अभी हम इसकी फॉइल उतारेंगे एहतियात के साथ, क्योंकि इसके अंदर स्टीम है, तो बहुत एहतियात से हम इसको खोलेंगे। ये देखें जी, कितनी मजे की हमारी लैम रोस्ट हो गया, माशाल्लाह से। लैम हमारी रेडी है, साथ इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अब ये वेजिटेबल्स जो हमने सौते किए हैं ये रख लेंगे। आप इसको इंजॉय करें चावलों के साथ, रोटी हो, नान हो, अपनी पसंद की आप कोई साथ सॉस बना लें, चटनी हो, हर चीज़ के साथ ये अच्छी लगेगी, जिस तरह भी आप खाएं। में इवन अगर आप थोड़े डाइट कॉन्शियस हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर इसको वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि देखें इसके अंदर कोई वो अनहेल्दी चीज़ नहीं है, बेक हुई भी है, साथ वेजिटेबल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे आप पोटैटोस भी इसके अंदर हैं, तो मज़े से आप इसको हर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो।
और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको चूल्हे पे भी स्टीम कर सकते हैं पॉट में डाल के। तो आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।